वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और आज के मेहमान में आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द सुपर मॉडल से। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं और अब एक नया वेंचर भी करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नईम हक। वेलकम नईम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच एंड सो काइंड फॉर योर ऑल वर्ड्स। बहुत दिन बाद एक तो हमारी मुलाकात हो रही है नईम। पहले तो काफ़ी हम लोग मिल रहे होते थे लॉन्ग अगो। नईम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू एंटर द फील्ड। अभी ये मैं जानना इस वजह से चाहता हूँ क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आजकल जो एंट्री है शो बिजनेस में वो बहुत आसान हो गई है, एंड बाय द टाइम हम लोग व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट उस वक्त तो नस्बता मुश्किल होता था। वो लोग कहते नहीं आपके लिए आसान था, हम लोग कहते तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक मुश्किल तो हर वक्त में होता है, हर दौर में होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। और जिसने भी जो भी अचीवमेंट्स किए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद की है, और हमेशा से इतना फेलियर होता है, इतनी स्ट्रगल होती है और इतनी सी सक्सेस होती है, बट वो वर्थ इट होती है। और वो इतनी स्ट्रगल के बाद जो जब वो आपको आप अचीव करते हो तो वो उम्र भर आपको याद रहता है। बिल्कुल। आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, बचपन से जिमनास्टिक्स का बहुत शौक था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं NCA में आया। तो NCA में बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, क्रियोग्राफर्स, वो बाय द टाइम वहाँ की एजुकेशन ऐसी कि उससे कहीं ना कहीं लिंक एक रास्ता निकल आता है शोबिज़ का। तो आई वॉज स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, तो आसिम रज़ा बहुत आते थे और नबीला बहुत आती थी। उस ज़माने में नबीला की मॉडलिंग एजेंसी थी, आसिम रज़ा कमर्शियल्स डायरेक्ट करते थे, वो आज भी कर रहे हैं और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर ऑफ आर कंट्री। तो उनके साथ ये सिलसिला, एक जर्नी शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। अच्छा नहीं, बहुत सारे मेल मॉडल्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन करते हैं इनटू एक्टिंग एंड टेक इट एक्टिंग फुल टाइम। आपने ऐसा नहीं किया, आपने छोटे छोटे थोड़े से कोई प्रोजेक्ट किया, देन यू वेंट बैक टू योर आर्किटेक्चर, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप गए, इसकी क्या वजह? एक्टिंग फुल टाइम जॉब है क्योंकि मॉडलिंग आप एक दिन में अगर कमर्शियल शूट है या आपका शूट है तो इट नीड्स हार्डली 6 to 8 hours, बट अगर आपने एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट किया है तो 3 to 4 months यू कांट डू एनीथिंग। सुबह 10 बजे आप शूट पे जा रहे हैं, रात को 10 बजे से पहले वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप जिम, और बिल्कुल ऐसे ही वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ये कितनी सही बात है, सेट पे आप चले जाए वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिल्म में भी ऐसा होता है कि आपके स्लॉट्स होते हैं मैक्सिमम 4 days 5 days का एक स्पेल है और वो 20-25 दिन के बाद आया, तो आप अपने आर्किटेक्चर से, मॉडलिंग से और जो ज़िंदगी की मसरूफियात होती है उससे टाइम निकाल लेते हैं। दिल बहुत चाहता है मगर मैं 1 साल या 1.5 साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा नईम, जब आप वाइल यू वर वर्किंग, जब आप मॉडलिंग कर रहे थे, वो फैमिली रिस्पॉन्सिव, क्या फैमिली रिस्पॉन्स क्या था आपका? फैमिली देखिए, उन्होंने कहा कि बस सही है जो कर रहे हो करते? नहीं, बचपन से मतलब वालिद मेरे हर जगह मेरे साथ जाते थे और उनको पता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, इस बेस पे ये करता है। जैसे पाकिस्तान में जब ब्रांड्स आना शुरू हुए तो उनको एक एथलीट मॉडल चाहिए होता था, तो फिजिक अच्छी है, गुड लुकिंग है, चले जी हम इसको एज अ मॉडल ले लेते हैं। और मेरा ख्याल है ये बेहतर बात भी है, अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फिटनेस फ्रीक है, तो आपका एक ऑडियंस में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग के वो लीनियर पे चले गए, बहुत ज़्यादा थिनिंग पे चले गए, शूट पे तो अच्छा लगता है मगर वो लाइफस्टाइल नहीं है। तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें जो उम्र भर आपको उसका फ़ायदा हो, तो ये बात है। अच्छा नहीं, मैं बहुत पैशनेट है अपने आर्किटेक्चर के बारे में जो कि आपका प्रोफेशन है, और आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिए, कंपनीज के लिए काम करते रहते हैं। कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी आपने सोचा कि आप अपनी कोई फर्म फॉर्म करें एंड यू नो गिविंग इट बैक टू द एंटायर फील्ड? मैं अपने नाम से ही करता हूँ एज एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर, लोग नईम हक के नाम से ही जानते हैं। मेरी कंपनी का नाम है NHAH डिज़ाइन। उसमें होता ये है कि अगर आप किसी फर्म के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 to 5 वो देना है। बीइंग आर्टिस्ट, आप उस तरह से आपको लगता है कि आप एक जेल में आ गए हैं और अब आपको चीज़ें फ्रीडम नहीं रहना, फ्रीडम नहीं रहना। अब कभी हम रात में सोच रहे हैं, कभी सुबह वॉशरूम में गए वहाँ कमोड पे बैठ के सोच रहे, यू नो। तो ये आइडियाज़ जो हैं ये तो आप
24 आवर्स आपका ब्रेन काम कर रहा होता है और यही क्रिएटिविटी है। अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे शो बिजनेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है? देखिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स तो है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो उसमें भी पॉलिटिक्स है और उसके अलावा हर जगह है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग तो आपको मिलेंगे। अब आपको ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना जितना काम कर सकते हैं करें। और मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि ताकत वो जो अपने बाजू में हो, तो आप खुद इतनी मेहनत करें कि आप उन सारी पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट का बहुत शौक है आपको? शौक हो गया है, हो गया है। हाँ, क्योंकि कोविड में हर तरह के जिम्नेजियम बंद थे, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मुइन खान में हमारी मुइन भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड है, कोविड में रिस्ट्रिक्शन है, इतना क्लोज नहीं, तो क्रिकेट में आप डिस्टेंस पे आते, तो सारे एक्टर्स ने खेलना शुरू किया। अब वो 3-4 साल कोविड में जब हम खेलते रहे तो अब माशाल्लाह से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं क्रिकेट के। अभी हम लोग अमेरिका भी गए, अब दुबई जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 18, 19, 20, 21 अक्टूबर से, और वहाँ पर 4 डेज का शारजा स्टेडियम में है, तो तकरीबन 4 टीम्स हैं और सभी एक्टर्स खेल रहे हैं। और नहीं, और कौन कौन सी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं? देखिए, जिमनास्टिक्स के अलावा, हाँ जिमनास्टिक्स के अलावा मैं रेगुलर तो जिम करता हूँ, क्योंकि जिम एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आप 45-50 मिनट्स में कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन लोग यही समझते हैं कि जी 45 मिनट्स में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, वो जो 45 मिनट्स हैं या एक घंटा है, उसके बाद जो आप घर में 23 घंटे गुजारते हैं बेसिकली वो आपका डिसिप्लिन है। रात को आपको जल्दी सोना है। मैं शुगर नहीं लेता, बिल्कुल शुगर इनटेक 0 है। के शुरू में शौक था मीठा खाने का? शुरू में तो बहुत खाया मीठा। हाँ, लेकिन नहीं, कितना मुश्किल है भाई मीठा। हाँ, और हर चीज में मीठा है, मतलब आप कॉफी पीते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल शुगर हर तरह के जूसेस में है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं इवन के उसमें भी हर चीज तो खानी पड़ती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप शुगर ना लें, मैंने जब शुगर छोड़ी तो 45 डेज मुझे लगे थे, मूड स्विंग्स होते थे और एकदम से नहीं, क्रेविंग होती है, दिल चाहता है कि बस कुछ मीठा खा लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे बर्थडे है, केक आ गया घर पे, तो थोड़ा सा खा लिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आप खा लें तो कोई ऐसी बात। लेकिन नहीं, ये अपनी डाइट को मैनेज करना और डाइट करते रहना इतने सालों से मुस्तकिल, मेरे ख्याल से कुछ अरसे के बाद तो आपके लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन इनिशियली इट्स सच अ टफ थिंग टू डू, कितना मुश्किल है ये करना। नहीं, अपने आप को वक्त कब आप देते हैं, वो व्हेन इज योर टाइम, कि जब होता है कि यार अब मैं थोड़े दिन कुछ नहीं करना चाहता या कुछ घंटे कुछ नहीं करना चाहता, उस वक्त में क्या कर रहे होते? मेरा ख्याल है ऐसा कोई वक्त नहीं है, नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर मैं किसी दिन अपने आप को टाइम ना दूँ तो वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सम टाइम हम वोकेशंस पे जाते हैं और हम खूब घूम फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं, मगर वो एक दिन, दो दिन और तीसरे दिन, चौथा दिन जो होता है ना, वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। क्योंकि अगर आप प्रॉपर जिम चले जाते हैं, डाइट को मेंटेन करते, तो रिग्रेट नहीं होता और एक गिल्ट भी नहीं होता। हाँ, एक गिल्ट होता है ना, मीठा खाने के बाद जो एक गिल्ट होता है ना कि ये मैंने क्यों खाया, तो वो उससे बेहतर है। और एक आई थिंक बैक इन द हेड ये भी चल रहा होता है कि मैंने इतने दिन से मेहनत की हुई है, यार वो एक झटके में उड़ा दी। हाँ, ये भी हो रहा होता है। खवातीन रज़ा नईम हक हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं और हमारे साथ हैं नईम हक। नईम से हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं कि किस तरह नईम एक इंस्पिरेशनल फिगर है इतने सारे लोगों के लिए, अपनी फील्ड में भी और अपने फैंस के लिए भी। नईम, जब आप, जिस तरह भी मैं बात करता, फ्री टाइम के अंदर भी कभी कभी तो दिल चाहता है कि यार आज मैं कुछ फ्राइड चिकन ऑर्डर कर लेता हूँ, यार आज बहुत दिल चाह रहा है, यू नो, बिल्कुल आप जब एक थ्रेश होल्ड क्रॉस कर रहे होते हैं, हाउ डू यू कंट्रोल दैट? समटाइम ऐसा होता है कि इवेंट बेस कर लेता हूँ, जैसे मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक शूट है, तो उस पूरा वीक मैं मेंटेन रखूँगा, और जैसे ही शूट ख़त्म होगा उसी वक्त फिर मीठा भी खाऊँगा और ताकि फिर वो बर्न कर लें। हाँ, थोड़े देर से वो फिर नेक्स्ट 2-3 डेज में बर्न आउट आप कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? लव अरेंज फौरन ही हो गई, हाँ विद इन 3 डेज। हाँ,
कैसे आयशा मुलाकात कैसे हुई आयशा से? मैं एनसी से पढ़ा हूँ और आयशा जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है और वो इंडस वैली में उनका थीसिस था, मैं थीसिस देखने गया हुआ था। वो थीसिस देख जब उनकी ज्यूरी हो रही थी तो मैं उनको देख भी रहा था और मैंने ये सोचा कि इनको काम करने का बहुत शौक़ है और मैं भी क्योंकि पैशनेट अबाउट डिज़ाइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, तो दो तीन दिन के बाद मैंने कहीं से उनका नंबर अरेंज किया और मैंने उनको कॉल किया नाइस और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि देखिए मेरा नाम नईम हक है और मैं एनसीए में पढ़ा हूँ और अब मैं मास्टर्स के लिए सेंट मार्टिन्स में मेरा एडमिशन हो गया, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। और मुझे ये भी था क्योंकि मेरी तीन बहनें हैं और उनको बड़ा होता है कि हमारे भाई की जो जिससे भी शादी हो वो ऐसी नहीं ऐसी हो। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन खवातीन एक ऐसी लड़की को चूज करें जिसमें सारी क्वालिटीज और सब मुत्तफिक हो जाए एक पे, हाँ, मुश्किल बहुत है। हाँ। तो वैसा दो तीन साल से हो नहीं रहा था और मुझे भी पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर आप शादी नहीं हुई तो शायद फिर शायद वापस ना हो और फिर ना हो, तो ये है। तो मैंने फौरन उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि मैं आपसे मिला हूँ, सरसरी मुलाकात हुई है और मैं चाहता हूँ कि हम शादी के बारे में बात करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा से आप बात करें, तो फिर मैंने अपनी खाला को उनके यहाँ भेजा था कि आप बातचीत करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उनके यहाँ मैग मैगजीन रखा हुआ था घर में और हम घर के अंदर गए तो उससे पहले आयशा मैग मैगजीन देख रही थी, उसमें एक शूट प्रिंट हुआ हुआ था रिजवान बेग का, मेरा मॉडलिंग का। तो वो आयशा की मदर ने उनसे कहा कि भाई अब तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम शादी कर लो। तो आयशा कहने लगी अच्छा अगर ऐसा कोई लड़का मिल जाएगा तो मैं कर लूँ। और ये उन्होंने वो मैगजीन बंद किया और टेबल पे रखा है और हम लोग ऐसे सामने से आ रहे थे उनके घर पे जब हम पहली दफ़ा मुलाकात के लिए गए। तो वो आंटी मुझसे पूछ भी रही है कि आपको मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है, क्योंकि रिश्तों में अक्सर होता है पाकिस्तान में उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होता था कि जी ये मॉडलिंग करता है तो इसका लड़कियों के साथ खवातीन के साथ बहुत इंट्रैक्शन होगा। तो वो पूछ भी रही हैं कि आप कहीं देखे देखे लग रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं तो कहीं भी नहीं निकलता, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ। तो ऐसी बात। तो उसके बाद उनके भाई से मुलाकात हुई, उनके तीन भाई हैं और एक बहन है और अब तीन बहन है। तो आप समझे कि उनके भाइयों का जो है वो एग्जामिनेशन कितना टफ होगा। तो माशाल्लाह अब वो एक पाकिस्तान के बहुत लीडिंग ब्रांड की डायरेक्टर हैं और वो कपड़े डिजाइन करती हैं। एक्सेलेंट। और शादी को माशाल्लाह काफी साल भी हो गए आपके। जी जी, बिल्कुल। अच्छा नहीं, जिंदगी के अंदर आपको पता है उतार चढ़ाव जिंदगी का नाम है और लोग जो है वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से, एक्सीडेंट से, ट्रेजेडीज से, अच्छे इवेंट से गुजरते रहते हैं। चूँकि आप एक बड़े करीबी हमारे कोलीग और दोस्त भी रहे, भी थोड़े दिन पहले एक खबरों से नज़र गुजरी दैट यू लॉस्ट योर सन जी, उसके बारे में कुछ बताएं वो। और उसके बाद आपको पता है जब ये खबर आती है तो बहुत सारे लोग एक अपनी तर्ज की स्टोरी पेश करते हैं कि भाई उनकी पहले से तबीयत ठीक नहीं थी या कोई एक्सीडेंट था, क्या स्टोरी? इज़ान एक्चुअली ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड और उसकी मेटाबॉलिक कंडीशन थी और दुनिया में इज़ान जैसे सिर्फ 50 बच्चे थे, बॉडी में प्रोटीन नहीं बनता था बाय बर्थ। हम इसको ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट इंग्लैंड का बेस्ट हॉस्पिटल है किड्स का, वहाँ पर भी लेकर गए, फिर इसकी रिपोर्ट्स हमने अमेरिका में भी भेजी। तो अभी तक वो डिज़ीज़ पे काम कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत कम है। तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स या वो कंपनीज दुनिया में जो मेडिकेशन डेवलप करती हैं वो कहती हैं हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम है। ठीक है, तो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इतना अमाउंट? तो विद टाइम जो है मेरा ख्याल है और अभी 2 या 3 साल लगेंगे। फिर कोविड आ गया, उसमें ये रिसर्च बिल्कुल रुक गई, दुनिया की हर रिसर्च रुक गई, सारी अटेंशन उधर चली गई, कोविड पे चली गई थी। तो इज़ान तकरीबन 10 साल का था एंड ही पास्ड अवे 6 मंथ्स अगो और वो एक बड़ा हमने इज़ान के साथ खूबसूरत एक सफ़र गुजारा है। और बहुत सारे ऐसे और बच्चे भी हैं पाकिस्तान में जिनको ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसके जो टेस्टिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है तो उनको पेरेंट्स को मालूम नहीं हो पाता। इस सफ़र में हमारे साथ 2 डॉक्टर आगा खान के, एक डॉक्टर शनाज इब्राहिम जो न्यूरो की हेड हैं और डॉक्टर सलमान किरमानी जो जेनेसिस्ट हैं, वो थ्रू आउट हमारे साथ थे। और अभी भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी बच्चे के बारे में मालूम होता है तो
तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ और ये एक सिलसिला जारी है। जारी है। मुझे एक बात बताएं, इस बीमारी को कहते क्या है? इसको कहते हैं NGLY1, INGLY1। इसमें मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते और ये बाय बर्थ नहीं होती, ये किसी बच्चे को एक साल के बाद आना शुरू होगा। मतलब इजान ही वॉज फाइन, वो एक साल तक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था और हमारा भी पहला बच्चा था, हमें तो इतना पता ही नहीं था कि बच्चों को किस तरह से संभालते हैं क्या। एक साल के बाद उसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जैसे एपिलेप्सी आना शुरू हो जाती है आँखों में। अब देखिए, अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा एक बॉडी का सिस्टम डिज़ाइन किया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ खुद ब खुद हिल रहे हैं, हम अपनी पलकें झपक रहे हैं, इसमें वाटरिंग हो रही है। तो ये सारे मोटर स्किल्स जो है जो नेचुरली काम करते हैं ये काम करना बंद हो जाते हैं, और फिर बाय द टाइम 10 साल 11 साल 12 साल ये मैक्सिमम बच्चों की एज होती है। ठीक है, तो उस साल में अगर ट्रीटमेंट उसका डेवलप हो जाता तो शायद हम उसको वो इंजेक्ट करते कि बॉडी खुद ब खुद प्रोटीन बनाना शुरू करते, मगर वो ऐसी कोई अभी मेडिसिन आई नहीं है। अच्छा, अब नहीं, ये पूरे वाक्य का इमोशनली तो बहुत असर पड़ता होगा और आप बड़ा डैमेज हो जाते हैं, ये चीज़ जब आप सोचते हैं या इस दौर से गुजर रहे होते हैं, फिर उससे रिकूप करने के भी बहुत ही बेहतरीन तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपना सारा वक्त कोई ऐसे काम में लगा देते हैं जिससे लगता है कि वो इस चीज़ से हमेशा के लिए जुड़ गए, और कुछ लोग होते हैं जो कि फरार सारी ज़िंदगी तलाश करते रहे। अभी तो 6 महीने, अभी तो मामला बहुत ही ज़्यादा है। सो आई थिंक लूजिंग अ चाइल्ड या लूजिंग अ पेरेंट, ये वाला ज़ख्म कभी नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो भी स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, एक्चुअली दे आर सुपरस्टार्स। क्योंकि स्पेशल बच्चों की पाकिस्तान में तो कोई सपोर्ट नहीं है। स्कूल्स हैं लेकिन वो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल खुद से नहीं कर पा रहा उसकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। और वो माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें दुआ करनी चाहिए। और अपने तौर पर आप जितना भी बच्चों के लिए कर सकें वो आपको करना चाहिए। अच्छा नईम, अभी आपने ऑक्स एक्टिव वेयर एक नया ब्रांड लॉन्च किया है बाय नईम हक, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे ख्याल आया, व्हाट इज़ द ब्रांड ऑल अबाउट? एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग MSL पे थे, MSL मेगा स्टार सुपर लीग होती है जो शाहिद अफरीदी इसको ऑन करते हैं, और क्योंकि शाहिद अफरीदी अपना भी एक होप नॉट आउट की NGO रन कर रहे हैं, तो वो एक हफ्ता हम जब उनके कमरे में हमने गुजारा, हंसी मजाक हो रही है, दुनियावी बातें हो रही हैं हर तरह की, तो उन्होंने बातों बातों में ज़िक्र किया कि क्योंकि उनको इजान का पता था, वो कहने लगे कि तुम्हें इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें एक प्रोसेस से गुजारा है तो जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि उनका एक सिलसिला बना रहे। तो ये मेरे ब्रांड का लोगो है। ठीक है, ऑक्स का, ऑक्स का एक्टिव वेयर का। तो इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम स्पेशल बच्चों की सपोर्ट करेंगे, और ये तब होता है जब आप खुद एक प्रोसेस से गुजरे हो। बिल्कुल, क्योंकि इसका कभी पहले ख्याल नहीं आया, क्योंकि हम कभी इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, बातचीत सुनते थे, दर गुजर कर देते थे। जब आप खुद उस पेन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको दूसरे बच्चों का एहसास होता है कि यार अगर मैं कल को नहीं भी रहा तो ये एक ब्रांड एक्टिव रहेगा और इससे जो प्रॉफिट होगा वो स्पेशल बच्चों की फलाह के लिए काम करता रहेगा। जी जी जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन खवातीन और आज़ाद। ऑक्स एक्टिव वेयर एक ब्रांड है जो कि नईम ने लॉन्च किया है, और एक्टिव वेयर है इसके अंदर, और इससे जो भी सेल्स होंगी उससे बहुत बड़ा एक जो पोर्शन है सेल्स का वो जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनकी फलाह के लिए उस पैसे को खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नईम, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट With ऑक्स एक्टिव वेयर। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक ऐसे शो के साथ जो कि पूरी कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।